everyone, welcome to the YouTube channel Chemistry Plus. In today's video, we are going to discuss about the alpha carbon and alpha hydrogens. यानी कि हम किन कार्बन्स को अल्फा कार्बन बोलते हैं और किन हाइड्रोजन्स को हम अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं. तो हमारे पास कोई भी ऐसा कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन. ऐसे ही वो हाइड्रोजन्स जो कि अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उन्हें हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स. अब हमारे पास अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन, और उस कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं उन्हें बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन्स. देखो एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे कार्बन अटैच होगा, ऐसे यहाँ पे चेन होगी. तो ये वाला जो कार्बन एटम है इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन. यानी कि जैसे कि लिखा हुआ है कार्बन विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. यानी कि फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन. नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन. यानी कि हमारे पास वो कार्बन एटम जो कि किसी भी अल्फा कार्बन से अटैच हो उसे क्या बोलते हैं हम, बीटा कार्बन. यानी ये वाला कार्बन हमारे पास बीटा कार्बन है. अब हमें अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन का तो पता चल गया, लेकिन हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है, बीटा हाइड्रोजन कौन सी होती है. तो इस वाले कार्बन एटम से जितनी भी हाइड्रोजन अटैच होंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स. अल्फा हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. सिमिलरली हमारे पास इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन अटैच होंगी. ये वाला कार्बन क्योंकि हमारे पास बीटा कार्बन है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द बीटा कार्बन इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन. यानी कि ये वाली तीनों की तीनों हाइड्रोजन हमारे पास कैसी है, बीटा हाइड्रोजन. ऐसे हमारे पास गामा डेल्टा होती है, लेकिन हमें मेन फोकस किस पे करना है, हमसे पूछा जाता है अल्फा कार्बन के बारे में, बीटा कार्बन के बारे में और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में. आगे आगे जैसे आप बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि हम लोग फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी बताने के लिए अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं, या फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन से कनेक्ट हो रहा है, या फिर हमारे पास किसी भी अनायन की या फिर कटायन की स्टेबिलिटी बताने के लिए. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तभी तो हम उन्हें काउंट कर पाएंगे. हमसे नॉर्मली यही पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास इस गिवन कंपाउंड में प्रेजेंट है. देखो अभी कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. जैसे हमारे पास CH3, CH2, CH2OH ये है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास यहां, फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, OH क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप. तो OH के साथ डायरेक्टली ये वाला कार्बन अटैच है ये, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन. ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा कार्बन. अब कोई बोलेगी इसे ही क्यों अल्फा कार्बन कहा, इसे क्यों अल्फा कार्बन क्यों नहीं कहा, क्योंकि हम अल्फा कार्बन उस कार्बन आइटम को बोलते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो. ये कार्बन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इसे हमने क्या बोला, अल्फा कार्बन. और इस अल्फा कार्बन से जितनी भी हाइड्रोजन्स डायरेक्टली अटैच होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स. तो यहां पे अगर अल्फा हाइड्रोजन्स पूछे तो कितने, टू अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है. बीटा हाइड्रोजन पूछे तो टू बीटा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है. ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा. क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इस वाले कार्बन को हमने बीटा कार्बन बोला है.